नूरपुर के सिविल अस्पताल में स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कांगड़ा के सीएमओ गुरदर्शन ने की। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि स्वाइन फ्लू के बढ़ते रोगियों को देखते हुए कार्यशाला में निर्देश दिए गए हैं कि जनता को इस बारे में अधिक जागरूक किया जाए। अभी तक 1 जनवरी से टांडा मेडिकल कॉलेज में 40 मरीज स्वाइन फ्लू के पाए गए हैं, जिनमें 32 मरीज जिला कांगड़ा से संबंधित हैं। इन 32 में से 5 रोगियों की मौत भी हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि ये जिला के किसी एक हिस्से से संबंधित है, अलग अलग ब्लॉक में ये संबंध पाए गए हैं। इस बीमारी के बारे में केंद्र सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसके मुताबिक स्वास्थ्य संस्थाओं को अलर्ट कर दिया गया है। उन्होंने जनता से अपील भी की कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, पर सतर्कता आवश्यक है। सलाह दी जाती है कि आप अपनी दवाई लेने की वजह किसी को ऐसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत मेडिकल संस्थाओं में जाकर अपना चेकअप करवाएं और वहां से दवाई प्राप्त करें। जो वर्कशॉप सीजनल इन्फ्लुएंजा, जिसको पहले स्वाइन फ्लू के नाम से जाना जाता था, उसके बढ़ते रोगियों की संख्या के मद्देनजर विभाग द्वारा ये निर्देश दिया गया कि सारे अपने हेल्थ प्रोफेशनल्स को और आम जनता को इसके बारे में जागरूक किया जाए। तो ये आज जो वर्कशॉप नूरपुर में की गई, ये भी उसी का एक हिस्सा थी। अभी तक 1 जनवरी से RPMC टांडा में 40 पेशेंट्स जो हैं वो स्वाइन फ्लू के पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से 32 पेशेंट्स जो हैं वो जिला कांगड़ा से संबंधित हैं। इन 32 में से 5 रोगियों को की अचानक मौत हुई है। ऐसा नहीं है कि ये एक जिले के एक पर्टिकुलर हिस्से से संबंधित है, वाइड स्प्रेड है, हर एक अलग अलग ब्लॉक से ये हैं। इस बीमारी के बारे में केंद्रीय सरकार द्वारा जो जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वो उसके मुताबिक हमने अपने स्वास्थ्य संस्थानों को अलर्ट पे रखा है। जनता से अपील है कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस सतर्क रहने की आवश्यकता है। हम सलाह ये देते हैं कि सेल्फ मेडिकेशन की बजाय किसी को ऐसे लक्षण, जैसे कि जो सीजनल इन्फ्लुएंजा है, ये भी किसी नॉर्मल खांसी बुखार जुकाम की तरह है। अगर 48 घंटे में उसमें फ़र्क ना पड़े या उसको कोई और कॉम्प्लिकेशन नज़र आए तो आप स्वयं दवाई लेने के बजाय वो नज़दीक के स्वास्थ्य संस्थान में संपर्क करें और सही सलाह और उपचार करवाएं।